अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे केक विदाउट ओवन। ये केक विदाउट ओवन है और पेनकेक से बना हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पेनकेक्स बनाएंगे। पेनकेक्स बनाने के लिए हमें अंडे चाहिए। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ये एक मस्ट पॉइंट है। जब भी आप केक बनाएं, कोई सा भी बनाएं, विद या विदाउट ओवन, तो एग्स आप हमेशा रूम टेम्परेचर पर लें। चार अदद में यहाँ पर अंडे ले रही हूँ। इसे मैंने एक बॉल में डाल लिया है और अब हम इसमें एक कप के करीब चीनी ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद हो तो आप 1.5 कप भी इसमें ऐड कर सकती हैं। और अब हम इसको इतना विस्क करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट कि ये अच्छे से इसका पेल कलर आ जाए और ये क्रीमी हो जाए। ये आप देख सकती हैं कि ये इसको मैंने इतना फेंट लिया है कि ये इस तरह करके क्रीमी हो गया है, चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम एक सॉस पैन लेंगे और इसमें दूध डालेंगे। एक कप के करीब हम इसमें दूध लेंगे और इसमें 3 बड़े चम्मच मक्खन के हम डालेंगे, यानी कि बटर के। और दूध को हम इतना गर्म करेंगे, ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना, बस इतना ही गर्म करना है कि जो मक्खन है ये इसमें पिघल जाए। अब हम एक कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा लेंगे और एक छलनी में डालेंगे। वन टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसे सिफ्ट करेंगे और इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें बटर वाला दूध ऐड करेंगे। एक कप के करीब हम यहाँ पे इसमें जो नीम गर्म दूध था जिसमें हमने बटर को पिघला दिया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें वेनिला पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो वेनिला एसेंस भी इसमें ऐड कर सकती हैं। अब हम इसमें आधा कप मजीद ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा डालेंगे और आधा चाय का चम्मच हम इसमें मजीद बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इसे हम छान लेंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स कर लेना है और यह आप देख सकती हैं कि इस तरह का बैटर होना चाहिए। रनीसा बैटर हमने तैयार कर लेना है। अब हम इसे एक मेजरिंग जग में डालेंगे। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है ताकि तमाम पैनकेक्स जो हैं वो एक साइज़ के बने। मैं यहाँ पे 150 ml का मिक्सचर डाल रही हूँ जग में। अब हम एक तवा लेंगे और इसको हल्की आंच पर गरम करेंगे और इसके ऊपर टिश्यू पेपर या फिर किचन पेपर की मदद से हल्का सा ऑयल लगाएंगे और साफ़ करेंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर पेन केक का बैटर डाल लेंगे और इसे हल्की आंच पर हम पकाएंगे। और जैसा कि आप देख सकती हैं कि इसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो गए हैं, ये आप देख सकती हैं, और ये अपनी साइड्स छोड़ देगा तो तब हम इसकी साइड टर्न करेंगे। ये इस तरह आप देख सकती हैं कि जब इसमें बबल्स आने शुरू हो जाए तो तब हम इसकी साइड टर्न करेंगे। और इस तरह करके हम सारे पैनकेक्स 1 by 1 बना लेंगे। याद रखें कि आंच हमारी मीडियम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होनी चाहिए। लो टू मीडियम आंच पर हम इसे पकाएंगे। पकाने के बाद हम इसे अच्छे से ठंडा करेंगे और अब हम क्रीम को बीट करेंगे। क्रीम को बीट करने के लिए हम एक बर्तन में आइस लेंगे यानी कि बर्फ़ लेंगे और इसके ऊपर दूसरा बर्तन रखकर इसमें हम व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। व्हिपिंग क्रीम मैं यहाँ पे तकरीबन 1 लीटर का एक पैकेट ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप ऑल पर्पस क्रीम के 2 पैकेट्स भी ले सकती हैं। और इसे अब हम अच्छे से बीट करेंगे। बीट कर लेने के बाद पहले 2 से 3 मिनट मैंने इसे बीट कर लिया है और अब हम इसमें पिसी हुई चीनी यानी कि आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। आइसिंग शुगर आप पैकेट वाली लें तो और ज़्यादा अच्छा है। और इसे अब हम बीट करेंगे। इसे हमने इतना बीट कर लेना है ताकि इसकी स्टिफ से पीक्स बन जाएँ। याद रखिए कि नीचे हमने बर्फ़ का बर्तन रखना है और ऊपर हमने इस तरह करके कोई दूसरा बर्तन रखे तो इसमें हमने क्रीम को अच्छे से बीट कर लेना है। ये क्रीम हमारा बीट हो गया है, ये आप देख सकती हैं, ये अच्छे से बीट हो गया है। और इसके निशानी एक ये है कि ये अच्छे से बीट हो गया है। जब हम प्याला इस तरह करके उल्टेंगे तो ये इससे नहीं गिरेगा। अब हम एक केक बोर्ड लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे और इसके ऊपर एक पैनकेक रखेंगे। ये पैनकेक बहुत ही सॉफ्ट हैं। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। इसके ऊपर हम व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे। व्हिपिंग क्रीम में मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर लिया है, ये ऑप्शनल है।
इसके ऊपर अब हम दूसरा पैन केक रखेंगे और इसके ऊपर वाइट वाला व्हिपिंग क्रीम हम लगाएंगे और इसी तरह हम सारे लेयर्स इसके ऊपर लगाते जाएंगे वन बाय वन। इसके ऊपर हमने फिर पैन केक रख लेना है और ग्रीन व्हिपिंग क्रीम से हमने इसे कवर कर लेना है। इसी तरह हमने सारे कवर कर लेने हैं। और जो लास्ट वाला है तो इसके ऊपर हमने अच्छे से इस तरह करके सारा जो हमारा व्हिपिंग क्रीम है वो हमने लगा लेना है और इसे इवन आउट कर लेना है। ये याद रखें कि यहाँ पे जो मैंने केक बनाया है वो तकरीबन इसमें 8 अदद पैनकेक्स यूज़ हुए हैं। इस तरह करके अब हम इसे किसी भी तरह से डेकोरेट कर लेंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से इसे डेकोरेट कर लें, लेकिन चूँकि इंडिपेंडेंस डे है तो इस वजह से मैंने उसी थीम में मैंने इसे बनाया है। इंडिपेंडेंस डे के थीम में मैंने इसे बनाया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये मैंने 8 अदद पेनकेक से बनाया है। जो मेजरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं वो 4 अदद पेनकेक्स की हैं। तो अगर आपको ऐसे ही 8 अदद के बनाने हैं तो आपने मेजरमेंट को डबल कर लेना है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।